चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम, मन की बात में पीएम मोदी का ऐलान। उत्तराखंड अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर श्रीनगर में आज सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं। अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद है। दिल्ली, साउथ एक्स के क्लब में बवाल, युवती का आरोप बाउंसरों ने कपड़े फाड़े और गलत तरह से छुआ। श्रीलंका, सरकार विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 84 लोग गिरफ्तार, सोशल यूथ फ्रंट के कार्यकर्ता भी शामिल। बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी, राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जताया दुख। राजस्थान के जोधपुर में एक स्कूटी सवार बुजुर्ग सड़क के गड्ढे में धंस गया। इस हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग का कंधा भी फ्रैक्चर हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा। महाराष्ट्र में आदिवासी आश्रम स्कूल के 120 छात्रों को एक ट्रक में जानवरों की तरह भरकर ले जाया गया, कई बच्चे दम घुटने से हुए बेहोश। तमिलनाडु में आरएसएस सदस्य के घर पर फेंके गए 3 पेट्रोल बम। देश में हिंसा और नफरत, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन की गई है राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले महीने शुरू होने वाली 5G सेवाओं का अगले 2 वर्षों में पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। मुंबई में शिवाजी पार्क की लड़ाई में एकनाथ बनाम उद्धव, यहीं पर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपनी पहली रैली की और उसके बाद कई दशहरा रैलियों को संबोधित किया। मोहन भागवत के मस्जिद मदरसों के दौरे पर विवाद, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दी ये नसीहत। कांग्रेस नेता ने कहा कि न केवल PFI बल्कि धार्मिक घृणा और कट्टरता फैलाने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।